हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है अक्षय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का सिर्फ यंग आर्टिस्ट की इस लाइव गिटार क्लास में। इस गिटार क्लास का जो मेन मकसद है, जो मेन मोटिव है, वो है बिगिनर्स के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन देना। ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी गिटार सीखना शुरू किया है और उन्होंने किसी भी कारण से किसी पर्टिकुलर गुरु को फॉलो नहीं किया है, फॉलो इन द सेंस प्रॉपरली क्लासेस नहीं ली हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऐसे लोगों को एक डायरेक्शन देना कि शुरुआत कैसे की जाए गिटार के साथ। उसी पर्पस से हम लोग ये सारे लाइव सेशंस आप लोग के लिए कर रहे हैं। आई होप आप लोग को पसंद भी आ रहे होंगे और आपको चीज़ें सीखने को भी मिल रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज हम इस लाइव सेशन में सीखने वाले हैं कुछ और नई चीज़ें जो हमने पिछले लाइव सेशन में स्टार्ट की थी, लेकिन इसमें हम फिनिश करेंगे। बट उसके साथ साथ एक दो नए अपडेट्स भी सीखेंगे। जैसे हमने पिछले लाइव सेशन में सीखा था हॉरिजॉन्टल बॉन्गो। हॉरिजॉन्टल बॉन्गो क्या होता है? लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना एक एक स्टेप, है ना, हर स्ट्रिंग पे होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सभी के सभी जो वार्म अप्स हैं जो अभी तक हमने सिखाए हैं उनकी प्रैक्टिस की होगी। उसको रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आई थिंक आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाली है वो चीज़। अब अगर आज की बात की जाए कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम सीखेंगे डायगनल वार्म अप, जो एक अलग तरीके का वार्म अप है और कह सकते हैं कि पिछले दो वार्म अप से बहुत सीधे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अगर आपके पिछले दो वार्म अप काफ़ी अच्छे साउंड कर रहे हैं, काफ़ी कंफर्ट आप उसमें ला पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर पिछले वार्म अप्स में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत है, आप उसको सही से नहीं प्ले कर पा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको इशू आए, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप पिछले वार्म अप्स की भी इक्वली प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये नया वार्म अप भी आप तभी स्टार्ट कीजिए। उसके अलावा अगर बात की जाए कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम हैप्पी बर्थडे का बचा हुआ पार्ट, यानी आज हम पूरा गाना प्ले करेंगे हैप्पी बर्थडे का, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग एक नया कॉर्ड भी सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने कॉर्ड्स का इंट्रोडक्शन किया था और एक नए दो नए कॉर्ड सीखे थे हमने। पहले अपने दो कॉर्ड्स ई माइनर और डी मेजर, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और वो अच्छे से आपसे प्ले हो पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं डायगनल वार्म अप। जैसा कि आप जानते हैं कि दो वार्म अप्स जो अभी तक हमने सीखे हैं, मैं थोड़ा सा तेज़ प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ मेरी स्पीड पे नहीं जाना है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी पे जाना है, ठीक है। स्पीड कैन बी स्लो। तो पहला जो वार्म अप था उसे हम कहते हैं वर्टिकल वार्म अप। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल वार्म अप। इसका रिवर्स। ठीक है, ऐसा सारी स्ट्रिंग्स पे आपको करना था। ये था हमारा हॉरिजॉन्टल वार्म अप, मतलब वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, और आज जो हम सीखेंगे वो होगा डायगनल, मतलब अगर हिंदी में कहें तो तिरछा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट एकदम सेम होगा जैसे दोनों वार्म अप होते हैं, 1 2 3 4 आप कंप्लीट करेंगे एक ही स्ट्रिंग पे। अभी स्ट्रिंग नहीं चेंज करना है, एक ही स्ट्रिंग पे 4 कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, एक स्ट्रोक डाउन, एक स्ट्रोक अप, एक स्ट्रोक डाउन, एक स्ट्रोक अप। राइट हैंड से ऑल्टरनेट प्ले करना अब तक आपकी आदत बन जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई अब ऐसा पॉइंट नहीं रहा है जो आपको बार बार याद दिलाना पड़े या फिर आपको याद रहे नहीं, आप कॉन्स्टेंट डाउन या कॉन्स्टेंट आप स्लो करने लग जाएं। तो कोशिश कीजिए कि ये आपकी आदत बन जानी चाहिए कि आपको ऑल्टरनेट ही प्ले करना है, ओके। तो सबसे पहले हमने पहली स्ट्रिंग का 1 2 3 4 कवर किया। अब हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग क्या करते थे, एक स्टेप आगे बढ़ जाते थे सेम स्ट्रिंग पे। अब हमें यहाँ पे एक स्टेप आगे तो बढ़ना है, लेकिन सेम स्ट्रिंग पे ना बढ़ के एक स्ट्रिंग ऊपर जाएंगे हम, सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट से अब हम स्टार्ट करेंगे। सेम 4 फिंगर, फिर थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, और लास्ट होगा 6th स्ट्रिंग 6th फ्रेट, ठीक है। मैं फिर से प्ले करके दिखा रहा हूँ, स्लो करेंगे थोड़ा सा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट 2 3 4, ठीक है। फिर इसको करेंगे बैकवर्ड रिवर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th फ्रेट जहां पे मेरा लिटिल फिंगर है,
4, 3, 2, 1, एक स्टेप नीचे, 4, 3, 2, 1, एक स्टेप नीचे, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, और ऑटोमेटिकली आप अपने ओरिजिनेशन वाले स्पॉट पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डायगनल एक्सरसाइज। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने आपको आधा पार्ट एक्सप्लेन करके दिखाया है, अब एक बार हम साथ में, क्योंकि मैं ये आशा करता हूँ कि जितनी बार भी आप ये लाइव सेशन देख रहे हैं, मतलब आप अपना गिटार साथ में लेके बैठे हैं, तो अब हम इसको साथ में करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से स्टार्ट होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट स्टार्ट करेंगे, 3, 2, 1 गो, 1, 2, 3, 4, मूव योर फिंगर टू नेक्स्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट फ्रेट, 1, 2, 3, 4, थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, 1, 2, 3, 4, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, लास्ट सिक्स्थ स्ट्रिंग सिक्स्थ फ्रेट। अब रिवर्स ट्राई करेंगे, तो मैं स्टार्ट करूंगा 9 से। अब मैं फ्रेट नंबर बोल रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होंगे, 9, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैक टू बैक बजाने की प्रैक्टिस करनी है। स्पीड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है। आप जो भी साउंड जनरेट कर रहे हैं वो रेगुलर आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये है हमारे वार्म अप का पार्ट वन। अब पार्ट टू की अगर बात की जाए, तो जहां हमने मतलब इसका जो स्ट्रेट बजाना खत्म किया था वो था सिक्स्थ फ्रेट से, हम लोग स्टार्ट करते हैं 6, 7, 8, 9, छठे स्ट्रिंग पर हम ये प्ले कर देते हैं। अब ऑफकोर्स अगर हमारे पास कोई सातवां स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता गिटार में, तो हम एक स्टेप और ऊपर चले जाते, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6, 7, 8, 9 प्ले करने के बाद आप एक स्टेप नीचे आ जाएंगे फिफ्थ स्ट्रिंग पे, सेवन्थ फ्रेट पे। सो 7, 8, 9, 10 एंड लास्ट वुड बी 11th फिंगर इन द इंडेक्स फिंगर इन द 11th फ्रेट ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके, फिर से प्ले कर रहे हैं, सिक्स्थ स्ट्रिंग सिक्स्थ फ्रेट से शुरू कर रहा हूं, 6, 7, 8, 9। अब पांचवें स्ट्रिंग पे आऊंगा, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, लास्ट 11, 12, 13, 14। ओके, दिस इज हाउ आप पूरा एक इसका वेरिएशन बजाएंगे। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में बजाऊंगा क्योंकि पूरा बजाना है, एंड आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। देखो, क्या किया, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, सिक्स्थ स्ट्रिंग सिक्स्थ फ्रेट, देन फिफ्थ स्ट्रिंग सेवन्थ फ्रेट, 8th, 9th, 10th, 11th। फिर यहां से रिवर्स करना शुरू करेंगे विद योर लिटिल फिंगर ऑन द 14th, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फिफ्थ फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट डूइंग दिस वार्म अप व्हिच इज कॉल्ड डायगनल वार्म अप। ये पिछले दो वार्म अप्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट आई एम श्योर कि अगर आपने पिछले दो वार्म अप बहुत अच्छे से किए हैं तो ये वाला वार्म अप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चैलेंजिंग है वो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू प्ले इट, ठीक है। तो पहले कोशिश करेंगे इसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। अगर आपको लगता है फिर भी कि नहीं अभी भी दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पिछले दो वार्म्स को और ज़्यादा मांझिए, मतलब और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कीजिए कि आपके फिंगर्स जो है वो ऑटोमेटिकली मूव कर पाए, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग अच्छे से। और लिटिल फिंगर को एक्टिव करना जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिटिल फिंगर को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो इशू नहीं होना चाहिए। कोशिश यही करनी है आपको कि आप चारों फिंगर का इक्वल यूज़ कर पाएं, जिससे कि चारों फिंगर इक्वल एफिशिएंसी अटेन कर पाएं और आप बहुत अच्छा गिटार प्ले कर पाएं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक और छोटे से टॉपिक के बारे में, दैट इज़ अ न्यू कॉर्ड जो आज हम सीखने वाले हैं, और वो होगा सी मेजर।
तो सी मेजर कॉर्ड देखा जाए तो अभी तक हमने जो दो कॉर्ड्स किए हैं ई माइनर और डी मेजर, पहले उनका एक जल्दी से रिवीजन देख लेते हैं। ई माइनर कॉर्ड क्या होता था, जिसमें हम अपने ये दो फिंगर मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर यूज करते थे पांचवें स्ट्रिंग और चौथे स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट में, और पूरे छह स्ट्रिंग हम इसको प्ले करते हैं इस कॉर्ड में। इस तरीके की क्लीन साउंड की हमें जरूरत है। और इनिशियली देखा जाए तो कॉर्ड प्लेइंग में या कॉर्ड लर्निंग में अगर हम स्टेप्स में डिवाइड करते हैं ना, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो यही होता है कि आपको कॉर्ड सही प्लेस करना आना चाहिए। उसको हम बोलते हैं कॉर्ड प्लेसमेंट, क्लीन कॉर्ड प्लेसमेंट, CCP, है ना, क्लीन कॉर्ड प्लेसमेंट। कि अगर आपको अच्छे से कॉर्ड बजाना है तो पहला जो इम्पॉर्टेंट शर्त है वो यही है कि आपका कॉर्ड क्लीनली प्लेस होना चाहिए। जब भी आपने फिंगर आगे रखनी है तो यू शुड गेट ए क्लीन साउंड, कोई बज या म्यूट नहीं होना चाहिए। बज या म्यूट क्या होता है, जैसे अगर मानिए मैंने ये प्ले किया, अब ये एकदम चुप भी नहीं है, एक तो होता है एकदम म्यूट, ये हुआ डेड साउंड म्यूट, ठीक है। एक होता है बस, ये एकदम क्लीन भी नहीं है लेकिन ये एकदम म्यूट भी नहीं है। तो एक तो कोई बस नहीं होना चाहिए, और ऑफकोर्स जो स्ट्रिंग हमें प्ले करनी है जिसको जानबूझ के म्यूट नहीं करना है वो म्यूटेड नहीं होनी चाहिए। जब आप पहली बार लगाएंगे तो इसमें एक गलती आपको ये हो सकती है कि आपकी रिंग फिंगर जो है वो नीचे वाले थर्ड स्ट्रिंग को हो सकता है हल्की सी टच कर रही हो, और जिसकी वजह से थर्ड स्ट्रिंग पे काफ़ी चांसेस होते हैं इस कॉर्ड में म्यूट होने के, तो उस पर आपको वर्क करना है। मैंने पिछले लाइव सेशन में भी ये वाली बात बोली थी कि अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो बस टिप ऑफ द फिंगर कॉर्नर ऑफ द फ्रेट का रूल होता है, बाकी क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आपकी फिंगर साइज आपके हाथ की साइज, इसलिए कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से ट्राई कर रहे हैं, कितनी बार आपने ट्राई किया है। मल्टीपल ट्रायल के बाद आपको अपना कम्फर्ट जोन मिल जाता है, ठीक है, तो वही आपको ट्राई करना है। ओके, सो दिस इज ई माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड जो हमने सीखा था पिछली क्लास में दैट वॉज डी मेजर, तो ये दिस इज हाउ वी प्ले डी मेजर। इसमें नीचे की चार स्ट्रिंग आपको बजानी होती है। ओके, अब बात करते हैं आज के नए कॉर्ड की, तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं उसका कॉर्ड डायग्राम, ठीक है। हमने कॉर्ड डायग्राम सीखे थे पिछले सेशन में, तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत याद हो, अदरवाइज मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखिए, ये होता था हमारा डायग्राम, कॉर्ड डायग्राम। अब इसमें क्या है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइन्स है, जो खड़ी हैं लाइन्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वो छः हैं। तो ये छः हमारी स्ट्रिंग्स हो गई हैं, गिटार में छः स्ट्रिंग्स होती हैं, तो ये छः लाइन्स छः स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ऐसे जा रही हैं, उनकी वजह से तीन बॉक्सेस क्रिएट हो गए, इन बॉक्सेस को हम फ्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ से आपको प्रेस करना होता है वहीं से हम लोगों ने डॉट बना दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डॉट कहाँ कहाँ है, पहला जो डॉट है, कोशिश कीजिए कि आप ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ें, मतलब ये जो लोअर ई है, ए और ई वाला, इस साइड से आप पढ़ें। तो सबसे पहले हमने लगाया ए स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, फिर डी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, एंड देन बी स्ट्रिंग जी स्ट्रिंग बीच में ओपन है, ठीक है। तो ये देखिए जीरो लिखा हुआ है मैंने, ये जीरो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये ओपन है, और फर्स्ट स्ट्रिंग भी ओपन है, उस पर कोई प्रेस नहीं किया हुआ, तो ये म्यूट भी नहीं होनी चाहिए टेक्निकली, ठीक है। तो ये होता है हमारा सी मेजर स्केल का कॉर्ड चार्ट। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो साथ में बना भी सकते हैं, बट ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए कि कैसा दिखाई देता है सी मेजर कॉर्ड ऑन पेपर, ठीक है। अब इसको प्ले कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सी मेजर को प्ले करने के लिए जैसा कि अभी हमने उसमें देखा, यू स्टार्ट विद योर रिंग फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, पांचवा स्ट्रिंग जो है आपका उसके थर्ड फ्रेट से आप स्टार्ट करेंगे, और अपना रिंग फिंगर तीसरा फिंगर आप ऐड करेंगे यहां पे, फिर आप अपना मिडिल फिंगर ऐड करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे, और फिर आप अपना इंडेक्स फिंगर ऐड करेंगे फर्स्ट फ्रेट ऑफ सेकंड स्ट्रिंग। लेकिन आप जब बजाएंगे तो पांच स्ट्रिंग बजाएंगे, ठीक है, 5 4 5 4 3 2 1, ऐसा साउंड आना चाहिए। हमेशा जब भी कॉर्ड प्रैक्टिस करनी है तो इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स बजा के देखनी है, तभी आपको
सच्चाई का पता लग पाएगा। अगर आप सिर्फ सीधे ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं तो हल्का फुल्का साउंड आएगा और आप खुश हो जाएंगे कि हाँ कॉर्ड सही आ रहा है, लेकिन फिर मान लीजिए अगर गाने में बजाने की बात आएगी और जल्दी जल्दी शिफ्टिंग की बात आएगी तो वो अच्छा साउंड नहीं करेगा और फिर आपको लगेगा कि यार मैं टाइम पूरा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस भी पूरी कर रहा हूँ, बट साउंड ऐसा क्यों नहीं आता जैसा मैं ट्यूटोरियल्स में देखता हूँ। तो ये जो क्लैरिटी है ऑफ कॉर्ड्स है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो शुरू से ही जब आप नया कॉर्ड सीखें, अगर आप उसके प्रति जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे, तो आई एम रियली होपफुल कि आप अच्छे से इसको प्ले कर पाएंगे। ठीक है, देखिए फिर से सी मेजर कॉर्ड, और ये कॉर्ड ऊपर से नीचे की तरफ लगाना, आपको नीचे से ऊपर नहीं जाना है। मतलब पहले इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर ऐसे नहीं लगाएंगे, आप रिंग से स्टार्ट करेंगे, रिंग फिंगर मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सी मेजर कॉर्ड। छठे स्ट्रिंग को चाहे तो छठे ये जो थंब है आपका उससे म्यूट कर सकते हैं। देखो मैंने म्यूट किया हुआ है। अगर आपको दिक्कत है कि थंब इतना ऊपर नहीं आता है, म्यूट करने लायक नहीं हो पाता है, तो कोशिश कीजिए कि बजाते वक्त आप उसको अवॉइड कर पाए। ठीक है, तो दिस इज हाउ सी मेजर साउंड्स। तो मेक श्योर कि आप इसका प्रैक्टिस करें। बार बार में प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होता है कॉर्ड्स को, ये मैंने पिछले लाइव क्लास में बताया था कि हर कॉर्ड को आप छोड़िए, सी फिंगर्स को सीधा कीजिए, फिर उस शेप पे आइए, फिर छोड़िए सीधा कीजिए उस शेप पे आइए, फिर छोड़िए नेक्स्ट शेप पे चेंज कीजिए, ओपन योर फिंगर्स देन मेक द शेप, ओपन योर फिंगर मेक द शेप, ओपन योर फिंगर मेक द शेप। जितनी बार ये प्रोसीजर रिपीट होगा उतना यूज टू आप हो जाएंगे उस पर्टिकुलर शेप के लिए। देखिए इट्स अ फिजिकल थिंग। कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉजिकल होती हैं कि समझने वाली होती हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो फिजिकल होती हैं कि आपको करके ही, मतलब फिजिकली टच करके या फिर मूव करके ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स कि जिसमें समझना काफ़ी नहीं है, आपको करना होगा, करते वक्त आपको कई दिक्कतों का सामना होगा और उसका इलाज भी आप करके ही, मतलब प्रैक्टिस करके ही, बार बार ट्राई करके ही निकाल पाएंगे। मेरे बोलने से वो चीज़ नहीं अप्लाई हो जाएगी। तो आपको कॉर्ड लगाना है ठीक तरीके से, सही फिंगर्स का यूज़ करना है और फिर उसी कोशिश में ये तीनों कॉर्ड एक ही अटेम्प्ट में आने चाहिए, ई माइनर डी सी। ई माइनर में पूरे 6 स्ट्रिंग है, सी में 5 स्ट्रिंग है और डी में 4 स्ट्रिंग है। जस्ट इन केस अगर आपको लगे कि आपका कॉर्ड क्लीन साउंड करने लग गया है, स्पेशली ऑल दीज थ्री कॉर्ड्स, अगर ये तीन कॉर्ड्स आपके साथ आ गए हैं, तो अब आप चाहें तो ये राइट हैंड से एक स्ट्रमिंग पैटर्न तो क्या बोलूँगा मैं, बोलूँगा एक स्ट्रमिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप इस तरीके से रब करते हैं जेंटली, हिट नहीं करेंगे, रब करेंगे जेंटली स्ट्रिंग्स के ऊपर। इसको आप पर्टिकुलर काउंटिंग्स में कर सकते हैं, जैसे मैं प्रेफर करूँगा शुरू में 8 की काउंटिंग करना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, and even 2 3 4 5 6 7 8। ये किसी भी तरीके का कोई गाना नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने देखा क्योंकि मेरे कॉर्ड्स क्लीन बज रहे थे, लगातार बज रहे थे, किसी भी तरीके का कोई हिचक नहीं थी, बीच में रुका नहीं मैं, उसी वजह से ये साउंड करेगा जैसे कोई म्यूजिक, प्रॉपर म्यूजिक पार्ट चल रहा हो। तो कोशिश कीजिए कि आप सी मेजर के अच्छे से प्रैक्टिस करें, इन तीनों को कंबाइन कीजिए एक से दूसरे कॉर्ड पर जा पाए। जैसे कि मैंने प्रोसेस के बारे में बोला कि पहला प्रोसेस होता है क्लीन कॉर्ड प्लेसमेंट। जैसे ही आप उसको कर लेते हैं तो फिर अब आप मूव करते हैं शिफ्टिंग पे, कि अब एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे क्विक वे में और क्लीन तरीके से जाना है। जैसे आप कॉर्ड लगाओ तो क्लीन साउंड आना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको सी मेजर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। अब हम सीखते हैं हैप्पी बर्थडे का बचा हुआ पार्ट। देखिए जैसा कि मैं बार बार इसमें इसी क्लास में आपको बोलता हुआ आया हूँ कि अगर हमने हमारी पिछली लाइव क्लास देखी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटर रिलेटेड है, मतलब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपने पिछला लेसन देखा है तो कुछ बातें इस लेसन की हैं जो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंस करेंगी। इसे कोशिश कीजिए कि आप बीच में कुछ भी स्किप ना करें लेसन के हिसाब से और पूरा लाइव देख पाए। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे जो सॉन्ग है उसका मेलोडी, उसका टैब्स बजाना शुरू किया था। तो उसका जो टैब्स है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 2 0 5 4, ओके, देन 0 0 2 0 7 5, सो टुगेदर इट गोज, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरीके से हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और बचे हुए दो लाइंस जो हैं इसके उस पर वर्क करेंगे। इसके लिए आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट देना पड़ेगा क्योंकि पूरा हम 12वें से लेकर और दूसरे फ्रेट तक कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लाइन को बजाने के लिए, और ये कुछ ऐसा साउंड करेगी। पहले मैं बजा के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने क्या प्ले किया, मैंने प्ले किया 0 0 12 9 5 4 2। तो सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, जो मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आपको अपने एक नोटबुक लेके बैठना चाहिए और प्रॉपरली लिखना चाहिए। तो हमने एक फॉर्मेट डिसाइड किया था कि सबसे ऊपर हम फ्रेट लिखेंगे, उसके नीचे हम स्ट्रिंग लिखेंगे और उसके नीचे हम फिंगर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो नंबर्स मैं बोलने वाला हूँ ये फ्रेट नंबर्स, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। फ्रेट नंबर्स में आपको लिखना है एज ए थर्ड लाइन। पहली दो लाइन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, अगर आप पहली वाली क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप पिछली क्लास भी देखें, उसकी रिकॉर्डिंग देखिए। और थर्ड लाइन आप लिखेंगे 0 0 12 9 5 4 2, ओके। अब स्ट्रिंग जो है सब में वन होने वाली है, तो सबके नीचे, सब नंबर्स के नीचे आपको लिख देना है 1 1 1 1 1 1, इस तरीके से। और एक साथ अगर आप प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा, 0 0 12 लिटिल फिंगर, 9 इंडेक्स फिंगर, देन टेक योर थंब टू दिस पोजिशन एंड देन प्ले 5 4 2, ठीक है। 5 के लिए मैंने यूज किया लिटिल फिंगर, 4 के लिए रिंग फिंगर एंड 2 के लिए इंडेक्स फिंगर। अगेन 0 0 12 9 5 4 2, तो एक साथ हुआ हैप्पी बर्थडे डियर एनी नेम, जो भी नाम हो आप उसको एनी नेम से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हैप्पी बर्थडे डियर महेश, और मे बी हैप्पी बर्थडे डियर राजेश, एनी नेम है ना। बड़ा नाम होगा तो दो में डिवाइड कर दीजिए, एक नाम होगा तो उसी को स्ट्रेच करना पड़ेगा आपको। तो दिस इज हाउ यू प्ले द थर्ड लाइन। तो अगर मैं पहले से थर्ड तक प्ले करूँ, फर्स्ट हुआ हैप्पी बर्थडे टू यू, सेकेंड हैप्पी बर्थडे टू यू, थर्ड हैप्पी बर्थडे डियर एनी नेम, एंड देन द लास्ट वन हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इसके लिए हमने प्ले किया 10 10 9 5 7 5, फोर्थ लाइन लिखिए 10 10 9 5 7 5, ये है हमारे फ्रेट नंबर। स्ट्रिंग सबके नीचे वन आ जाएगा। फिंगर्स आप यूज करेंगे लिटिल फिंगर डी डी सी ए सी ए, ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओके। तो एक साथ अगर चारों लाइन प्ले करेंगे तो कुछ ऐसा साउंड आएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एनी नेम, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल प्ले हैप्पी बर्थडे ऑन गिटार यूजिंग द फर्स्ट स्ट्रिंग ओनली। तो एक ही स्ट्रिंग में आप पूरा का पूरा ट्यून बजा सकते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार किसी भी तरीके की टैब्स प्ले कर रहे हैं तो हाँ, नंबर्स याद करना शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगे, बट धीरे धीरे ये चीज़ हैबिचुअल हो जाती है, आपको नंबर्स के साथ साथ पोजीशन भी याद होने लगती है। ज़्यादा एम्फसाइज आपको इस चीज़ पे करना है कि आप सही पोजीशन पे सही फिंगर रख पाएँ, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि आप एक ही फिंगर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं बार बार में ज़्यादा यूज़ करके, कोशिश कर रहे हैं कि चारों फिंगर बराबर तरीके से यूज़ की जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी बार अपने लिटिल फिंगर भी यूज़ कर रहा हूँ, बट नॉर्मली ये टेंडेंसी होती है क्योंकि लिटिल फिंगर सबसे वीक फिंगर है आपकी बनावट के हिसाब से भी, तो उसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है कि आप फील करें कि नहीं, ये फिंगर अवॉइड ही करते, तो अवॉइड नहीं करना है इसको, और ज़्यादा आपको काम करने देना है, ओके। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने लिटिल फिंगर को भी उसी तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो मेक श्योर कि जब भी आप प्रैक्टिस करें, जैसे हमने जो वार्म अप आपको करवाए हैं, वो वार्म अप करवाने के पीछे रीज़न यही है कि आपको पूरी चार के चार फिंगर्स पे इंडिविजुअली एक कंट्रोल लेके आना है कि चारों फिंगर्स आपकी इक्वल स्ट्रेंथ के साथ काम करें। हालांकि बनावट के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई आपका डोमिनेटिंग फिंगर होगा ये दो स्पेशली,
बट ठीक है, अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहेंगे, चारों फिंगर को बराबर मौका देंगे, तो हो सकता है आपकी चारों फिंगर्स में वीक फिंगर कोई नहीं रही। तो वो डिपेंड करता है आपके करने पे कि आप कितना ट्राई करते हो बिना अवॉइड किए लिटिल फिंगर को। कोशिश कीजिए कि वार्म अप से भी आप पूरा यूज़ कर रहे हो, इवन टैब्स जब आप प्ले कर रहे हो तो टैब्स में भी हैव टू मेक श्योर कि आप टैब्स सही तरीके से सही फिंगर्स का यूज़ करके प्ले करते हो। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आई एम होपफुल कि जो हमारी ये सीरीज़ है लाइव सिखाने की, इसका पूरा फ़ायदा आप उठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है, इसलिए एक थोड़ी सी कमी रहती है यूट्यूब से सीखने में कि आपको कोई फीडबैक नहीं मिल सकता। मतलब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया, आपने ट्राई किया, वो जो ट्राई किया ना, उस ट्रायल का कोई फीडबैक सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम देख के बता पाएँ कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। बट ठीक है, एटलीस्ट एक जो कम्युनिकेशन चल रहा है उसमें भी अगर आप ध्यान से बातें सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो आई एम होपफुल कि यू विल बी एबल टू प्ले बेटर गिटार। ठीक है, फिर इसी आशा के साथ कि आपको आज भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें और साथ साथ सिर्फ यंग आर्टिस्ट के इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि और क्या नया नया आपके सीखने के लिए आने वाला है। इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको रीड करके उन पर अमल किया जा सके। अगर कुछ होने लायक हो सजेशन कि भाई हाँ कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन लायक कोई बात है, तो हम लोग अपने वीडियोस में उसको ज़रूर से अपनाएंगे और आपको भी वो देख के खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी कि हम अपने लिसनर्स और अपने लर्नर्स की भी बहुत अच्छे से हेल्प कर पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर रह पाएँ इस हॉबी को एक प्रॉपर स्टेबल लेवल देने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.